I will tell you that the God of War Part 2 is coming to PS5, so stay tuned with us. As you know that, the God of War gaming series has been successful in every year. And 2018 ka jo part tha, jise hum God of War 4 bhi keh sakte hain, wo itna hit hua ki usse Game of the Year ka award mil gaya. Pehle to mujhe lag raha tha ki Red Dead Redemption 2 ko milega, Spider-Man ko milega, kyunki 2018 mein bahut si achhi games aayi aur jinke graphics bahut achhe the. Magar God of War 4 ko ye award mila aur बहुत ही अच्छी और जबरदस्त गेम बनाई सेंटा मोनिका स्टूडियोज ने. और ये हमें गेमिंग न्यूज में अप्रैल फूल के तौर पर उन्होंने लिखा था कि गॉड ऑफ वॉर पार्ट 2 इज कमिंग टू PS5. तो डिस्क्रिप्शन में जब हमने देखा तो उन्होंने कहा इट्स अ प्रैंक, और ये प्रैंक था. मगर इससे हमें ये पता चल गया कि गॉड ऑफ वॉर पार्ट 2 बस आने वाला है, क्योंकि लोग बहुत ही फरमाइश कर रहे हैं इसकी कि ये गेम जल्दी से जल्दी हमारे पास वापस आए. और जो पोस्टर था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोस्टर में क्रेटोस जो है वो थॉर से लड़ रहा है, उससे हमें क्या इफेक्ट मिलता है कि शायद गॉड ऑफ वॉर पार्ट 2 में थॉर क्रेटोस से लड़ाई करे. क्योंकि हमें गॉड ऑफ वॉर 4 जो 2018 में लॉन्च हुआ था उसमें एक ऐसी स्टोरी थी कि क्रेटोस और एट्रियस होता है, एट्रियस उसका बेटा होता है और उसकी उसकी माँ को ना ढूंढ रहे होते हैं वो, और उसकी माँ तो उसे नहीं मिलती. मगर एंड में वो दिखाते हैं कि थॉर क्रेटोस के घर के बाहर होता है. तो ये हमारे ऊपर ये इफेक्ट डालता है कि शायद गॉड ऑफ वॉर पार्ट 2 में क्रेटोस और थॉर की लड़ाई होगी. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. एंड इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक इट. थैंक यू.